जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर के निर्देशन पर जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा जाली नोट रखकर उसे आसपास के क्षेत्र में खपाया जा रहा है। सूचना के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह से दिशा निर्देश प्राप्त कर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बीएस खूंटिया के मार्गदर्शन में चौकी फगरम की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश देकर आरोपी राजेंद्र कुमार गुलशन पिता दूजराम गुलशन साकिन ज्योतिनगर पिहरीद थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा को पकड़ा गया तथा पकड़कर पूछताछ की गई। उसकी तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 16 नग 50 रुपए के नकली नोट व 195 नग 500 रुपए के नकली नोट को मौके पर से बरामद किया गया तथा उसने अपने गांव पिहरीत के भूथाखार स्थित अपने खेत के बोर घर से नकली नोट बनाने की सामग्री रखना बताया। वहां जाकर 100 नग 500 रुपए के नकली नोट एवं छपाई हेतु उपयोग किए जाने वाली सामग्री जब्त की गई। इस प्रकार आरोपी के कब्जे से कुल 98,300 रुपए के नकली नोट एवं छपाई हेतु उपयोग की जाने वाली लैपटॉप मै चार्जर कलर प्रिंटर स्कैनर 7 नग कलर प्रिंटर का इंक बॉटल एवं एक मोटरसाइकिल होंडा साइन जब्त किया गया। सूचना पर पुलिस वहां पे मौके पे गई है और उसको पकड़ी है और उसके जब तलाशी वगैरह किए हैं तो उसके पास से 50 रुपये के और 500 रुपये के नकली नोट मिले। और जब उसको बारीकी से पूछताछ की गई तो उसने और बताया कि जो मैं स्वयं ही जाली नोट स्कैनर से स्कैन किया हुआ और प्रिंटर से निकालता है कागज का और ऐसा वो खुद ही बनाता है, ऐसा उसने उस पुलिस को बताया। फिर उसको पुलिस लेकर गई उसके गांव पिहरीद में उसके एक ठो खार में उनका वो बोर पंप लगा है उस घर में वो वहीं छापता था। वहाँ पर वो ले जा करके एक कलर प्रिंटर और कलर कॉटरीज और लैपटॉप बरामद कराया है। तो उसके अतिरिक्त उसके पास से कुल 500 रुपये के 195 जाली नोट और 50 रुपये के 16 नकली नोट कुल 98,300 रुपये मूल्य के बराबर के जाली नोट उससे बरामद हुए हैं। छपाई किए जाने में प्रयुक्त तो उसका लैपटॉप प्रिंटर स्कैनर एवं अन्य सामग्री जब्ती हुई है और वो जो मोटरसाइकिल जिससे वो इस क्षेत्र में आया था नकली नोट लेके चलाने के लिए वो मोटरसाइकिल भी उससे बरामद हुई है। और इसके आरोपी के ऊपर 489 क ख ग और घ भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसे इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। जनता टाइम्स न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से अजय दास की रिपोर्ट।